वेलकम बैक टू माई चैनल, दिस इज शिवानी। और आज हम आए हुए हैं बाहर, क्योंकि आज है संडे और मेरी और अविश दोनों की छुट्टी थी, तो हमने सोचा हम बाहर जाके कुछ थोड़ा सा फ्रेश होते हैं, घूमते हैं। तो अभी हम आए हुए हैं हमारे जो हम जहाँ पे रह रहे हैं अभी, तो उसके नज़दीक में ही एक छोटा सा टाउन है कॉल बर्लिंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा यू नो यूरोपियन स्टाइल टाउन है, छोटा टाउन है पर वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। और यहाँ पे बहुत सारी ऐसी शॉप्स आपको देखने को मिल जाएगी, छोटे से लेके बड़ी वाली शॉप भी यहाँ मिल जाएगी, यानी छोटे छोटे रेस्टोरेंट से लेके बड़े बड़े रेस्टोरेंट भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और यहाँ पे अभी परमिशन दी हुई है आउटडोर डाइनिंग की, तो अभी यहाँ पे वो भी स्टार्ट हो चुके हैं, तो हम दिखाएंगे आपको कि यहाँ पे आउटडोर डाइनिंग कैसे होती है, अलग तरह से होती है। यू नो ब्यूटीफुल जगह बना के उस पे लाइटिंग वाइटिंग सब बैठने का अच्छे से चेयर्स अवेलेबल होती है, तो चलते हैं। और आज वेदर भी अच्छा है, लकीली बहुत ही ज़्यादा सनी है पर थोड़े से ऐसे विंडी भी है, पर ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ठंड भी है, तो इट्स वेरी गुड फॉर शिवास एंड ऑल्सो बोथ ऑफ अस। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। और जैसे ही हम पार्क करके थोड़े से आगे गए, वहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा बच्चों के लिए खेलने का प्लेग्राउंड बनाया हुआ है, तो शिवांश को भी बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। और ये ब्यूटीफुल तरह की पेंटिंग बनाई हुई है बच्चों के लिए, तो शिवांश वॉज इन्जॉइंग अ लॉट, तो हमने थोड़ा टाइम वहाँ पर भी स्पेंड किया। एंड यहाँ पे आप पूरा जो स्ट्रक्चर है प्लेग्राउंड का वो देख सकते हो, बहुत ही ब्यूटीफुल तरह से बनाया हुआ है एंड शिवांश इज इन्जॉइंग अ लॉट। गाइस, तो यहाँ पे ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी ऐसी शॉप्स हैं, और यहाँ पे आउटसाइड डाइनिंग भी हो रहा है। बहुत ही ज्यादा क्राउडेड है यहाँ पे, क्योंकि ये लंच टाइम भी है और ये एक छोटा सा टाउन है, तो लोग यहाँ पे ऐसे वॉकिंग करने के लिए भी आते हैं। और यहाँ पे अभी आउटडोर डाइनिंग भी स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ पे बहुत सारी ऐसी रेस्टोरेंट्स है, इसलिए थोड़ी सी ज़्यादा भीड़ है। यहाँ पे ऐसी कार पार्किंग भी होती है, जो पैरेलल कार पार्किंग बोलते हैं, मीटर के साथ ये मीटर पार्किंग होती है। तो यहाँ पे यू नो एक या दो डॉलर में आपको एक घंटा या आधा घंटा ऐसा पार्किंग मिलता है। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी कॉफ़ी शॉप्स है, यू नो कैफेज एंड बेकरी शॉप्स एंड जो छोटे छोटे स्टोर्स हैं उसके साथ यहाँ पे जो बड़े मॉल्स हैं आउटलेट्स वो भी है यहाँ पे, जैसे कि लुलु मेलन, फिर सफोरा हो गया, आगे सफोरा है, फिर एथलेटा करके स्टोर है जहाँ पे सिर्फ एथलेट का वो मिलता है। फिर यहाँ पे सामने आप देख सकते हो कि एप्पल स्टोर है। तो यस, यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी प्यारी सी शॉप्स है जहाँ से आप यू नो सब कुछ खरीद सकते हो। और यहाँ पे ऐसे धूप ना है इसलिए यहाँ पे ऐसे यू नो ऊपर बहुत मस्त वाला ऐसे रखा भी हुआ है, इसका करके ज्वेलरी का शॉप है, बनाना रिपब्लिक है यहाँ पे, ये बहुत अच्छा स्टोर है। शिवानी कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना डिजाइन, पूरा ये होम डेकोर का, वो पूरा होम डेकोर का स्टोर जैसा लग रहा है। वो ये पोट्री बर्न है, पोट्री बर्न इज फॉर द स्पेशली फॉर होम, बहुत अच्छा क्वालिटी, बहुत ही अच्छा फर्नीचर ये सब आपको मिल जाएगा। ये पूरा टाउन ऐसे छोटा सा हिप्पी सा टाउन है, बहुत अच्छा इसका आर्किटेक्चर किया हुआ है और इतना ब्यूटीफुल लग रहा है। यहाँ पे आउटडोर भी सिटिंग ऐसे बढ़िया सा रखी हुई होती है, फ्लावर्स लगाए हुए होते हैं, आप देखोगे यहाँ पे इतनी ब्यूटीफुल क्लॉक है यहाँ पे, द लगेज सेंटर करके स्टोर है उसमें, ऐसे हर जगह पे यहाँ पे फ्लावर्स और ऐसे रखा हुआ होता है। ये छोटे बच्चे के लिए क्लोथिंग स्टोर लग रहा है, जेनी एंड जैक, इट्स ब्यूटीफुल, क्यूट इंग्लिश स्टोर जैसा लग रहा है। ये कितने क्यूट क्यूट बैग्स है बच्चों के लिए, क्यूट क्यूट बैग्स। There is a boba guys here. Do you want boba? We just have.
लोगों ने अभी पी थी ना। हाँ, तो 3 दिन पहले। शिवानी हेल्थ कॉन्शियस बहुत है और बुबा गाइस अपेरेंटली हैज सुगर, विदाउट सुगर इट डजंट टेस्ट गुड। सो ये छोटा सा रेस्टोरेंट है, यहाँ पे ऐसे मस्त बढ़िया से फ्लावर्स लगाए हुए हैं इन लोगों ने और फायर प्लेस भी किया हुआ है, तो अच्छा लग रहा है, क्यूट ऐसे आउटडोर डाइनिंग प्रिपेयर किया हुआ है। यहाँ पे सामने बहुत सारे स्पा है। हाँ, शिवानी ने ऑलमोस्ट यहाँ से आते आते ही 4-6 स्पा देख लिया है। पहली बार एक ही ऐसी स्ट्रीट में 5-6 देखे। डिफरेंट डिफरेंट तरह के स्पा थे, नेल स्पा था, फिर मसाज, फिर इको स्पा, बहुत सारे ऐसे स्पा है, पर अभी पता नहीं अंदर जाना ठीक है कि नहीं, तो अभी हम नहीं जा रहे अंदर। और बहुत एक्सपेंसिव भी हो गए। कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना ये आउटलेट है, यहाँ पे छोटे छोटे से आउटलेट है और रेस्टोरेंट्स कंबाइन है, बहुत बढ़िया सा छोटा सा एरिया है अगर आपको आना है तो। ये ज्वेलरी का स्टोर है, कितना ब्यूटीफुल बनाया हुआ है। ये नेल बार है, अभी शिवानी ने बताया कि स्पा बहुत सारे, ये एक और दिखा हमें नेल बार, कितना क्यूट बनाया हुआ है। वो यहाँ पे बाहर भी आप कर सकते हो आउटसाइड बैठ के। ये पीट्स कॉफी है, ये स्टारबक्स जैसी है लेकिन यहाँ पे एक हाँ उसके कंपैरिजन में अच्छी, दोनों बहुत ही अच्छी टेस्ट में। कैमरा ना, माइक हमने जो ऑर्डर किया था वो ओपन करके देख सकती है क्या यहाँ पे? ओके, आगे जाके करते हैं ओपन, बैठ के यहाँ पे बैठ सकती है क्या? तो शिवानी के लिए सरप्राइज है एप्पल के स्टोर के सामने से। इसलिए मैंने नाटक किया कि मैंने बैग लेना है। शिवानी इज अनबॉक्सिंग हर न्यू मैकबुक एयर। क्यूट, लाइट वेट। हाँ, लाइट वेट मेरे पास जैसा था वैसा ही है, पर मेरा जो था वो बिगड़ गया है पता नहीं। तो मुझे नया लेना था पर मुझे पता नहीं था अभी ऑर्डर कर दिया है। हाउ वाज द सरप्राइज? कब आया था ये घर पे? कल ना जॉब पे गए थे तब। शिवान सो गया है तो शिवानी धीरे से बंद कर रही, मैं शिवानी को पूछ रहा था कि उसको आइसक्रीम खाना है, इतनी लंबी लाइन है यहाँ पे ये आइसक्रीम के लिए, पॉपुलर होगा मे बी लाइक बट पता नहीं है। शिवानी बोल रही है नहीं खाना, मैंने बताया वैसे शिवानी हेल्थ कॉन्शियस ज्यादा है। मेरा अभी टूथ एक्सट्रैक्शन हुआ है, जो विजडम टूथ बोलते हैं, बहुत विजडम फुट फुट के भरी थी तो पर इंग्लिश में उसको विजडम टूथ बोलते हैं, जो यहाँ पे लास्ट में जो टीथ होता है वो डेंटिस्ट रिमूव करते हैं, उसको एक्सट्रैक्शन बोलते हैं। तो अभी मेरा अभी 4 या 5 ही दिन हुए हैं सर्जरी की है, हाँ सर्जरी की है, तो अभी स्टिचेस लगे हुए हैं मुझे, जो मैंने ऊपर का था वो अभी रिमूव करवाया है, तो बस अभी उसकी सर्जरी हुई है तो इसलिए मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई थी। अभी मुझे 2 दिन के बाद ट्यूसडे को मुझे ये जो स्टिचेस है वो निकालने जाना है, तो अभी देखते हैं, अभी थोड़ा थोड़ा पेन हो रहा है जब भी मैं बात करती हूँ, पर हाँ अभी बात तो करनी पड़ेगी। फर्स्ट जो 2 या 3 दिन थे वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड थे, बात भी नहीं कर सकते, जो भी बात करते थे तो यू नो पेन होता था, तो मैंने जॉब से भी ऑफ लिया हुआ था, सिक लीव ली हुई थी,
तो अभी अभी अच्छा है, इतना पेन नहीं है, पर स्टिल थोड़ा थोड़ा सा कभी कभी होता है। और अभी खाने में सिर्फ सॉफ्ट फूड खाती हूँ मैं, जैसे कि खिचड़ी ये सब हो गया। तो हाँ मैंने 3 दिन पूरी खिचड़ी खाई हुई है, तो अभी मैं कंटाल गई हूँ खिचड़ी खा कर। और शिवानी बोल नहीं सकती थी तो मतलब हस्बैंड के लिए फायदा या नुकसान? यहाँ पे टी का अलग से स्टोर है शिवानी, डेविड्स टी। हमारे यहाँ इंडिया में होती है श्यामलाल की चाय, राधे श्याम चाय, यहाँ डेविड्स की टी है। ओरियो एंड कोल्ड ब्रू, आज मैं उसको ज्यादा जलाऊंगा क्योंकि वो खा नहीं सकती, और ओरियो और कुकीज एंड क्रीम उसका फेवरेट है, तो मैं वो दिखा दिखा के जला रखा। मैं खरीद नहीं रहा हूँ, मैं खरीद के ज्यादा जला सकता हूँ कि उसके सामने खाओ तो। ओरियो वाली आइसक्रीम जो है वो बहुत ही ज्यादा होता है, पर मैं कंट्रोल कर सकती हूँ, वो मेरा प्लस पॉइंट है, मैं कंट्रोल कर सकती हूँ। देख के भी शायद देखता हूँ, मैं अभी ले लूँ। यहाँ पे बहुत अच्छे से ऐसे क्यूट से आउटडोर डाइनिंग के लिए बनाए हुए हैं फ्लावर्स, और एक्चुअली रोड थोड़ा कवर हो जाता है लेकिन पार्किंग स्पेसेस ही है मोस्टली कि जो कवर होती है। यहाँ पे सिर्फ वॉक करना भी इतना अच्छा लगता है क्योंकि गर्मी नहीं है, हमें ज़्यादा भी गर्मी नहीं लग रही है। हवा बहुत ज्यादा चल रही है, टाउन तो बहुत ही ऐसा छोटा है, पर यहाँ पे ऐसा ब्यूटीफुल चर्च है, आप यहाँ पे देख सकते हो, छोटा सा टाउन है पर यहाँ पे ब्यूटीफुल ऐसे यू नो ऐसे यूरोपियन स्टाइल चर्च आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे पूरा चर्च एक साथ देख सकते हो, पे एक्चुअली कोएटे पॉइंट एरिया करके आप आ सकते हो, यहाँ पे कार पार्क कर सकते हो, और वहाँ पे बैठने की जगह भी है कि आप बैठ के कैंपिंग कर सकते हो, पिकनिक एरियाज है। आप देख सकते हो वहाँ पे बलून्स और पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं सब, यहाँ पे बहुत सारे सर्फर्स आए हुए हैं, काइट सर्फिंग करते हैं, तो वो भी देखने का मज़ा आता है। ब्यूटीफुल लग रहा है यहाँ पे, जस्ट ऐसे ओशन के एग्जैक्ट पास में रिक्रिएशन एरिया है, और बहुत सारे डक्स है, ब्यूटीफुल वेदर है, अच्छा लग रहा है यहाँ पे देखने के लिए। हम जा रहे हैं यहाँ से, हम आपको दिखाएंगे, हम अभी जा रहे हैं यहाँ पे बर्लिंगहम पॉइंट करके है, तो वो बर्लिंगहम पॉइंट पे हमने भी नहीं देखा है कैसा है, तो हमारे लिए भी नया है, आपके लिए भी नया है। और यहाँ पे लोग बोट करने पर आते हैं, आप यहाँ पे अंदर देख सकते हो बहुत सारे लोग यू नो बोटिंग भी कर चल रही है, फिर कायाकिंग भी चल रही है, बोट्स भी लेके आ रहे हैं खुद की, तो यार बहुत ही ऐसे सुंदर दिख रहा है अभी तो। और इसके पीछे ही आप देख सकते हो कि माउंटेन्स है, तो द व्यू इज वेरी ब्यूटीफुल। और अभी मैंने जैसे बताया, हम जो जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ से पूरा व्यू एकदम बढ़िया दिखेगा। ये जो जगह है उसको बोलते हैं बर्लिंगहम पॉइंट, लोग यहाँ पे पैराग्लाइडिंग भी कर रहे हैं, तो और एयरपोर्ट यहाँ पे एकदम पास में है, तो एरोप्लेन आप बहुत एरोप्लेन भी जा रहे हैं, और शिवानी को बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है अभी तो। अभी थोड़ी सी ठंडी स्टार्ट हो गई है, तो यस बहुत ज्यादा विंड है। ये पूरा पब्लिक शोर है बे ट्रेलर्स, और सी अभी जैसे बताया कि एरोप्लेन इतना पास से आपको देखने को मिलेगा। पिकनिक स्पॉट भी, अगर आप यू नो फैमिली गेट टुगेदर करना चाहते हो या फिर आप यू नो खुद का नाश्ता वास्ता सब लेके आना चाहते हो, तो यहाँ पे आप आराम से बैठ के इंजॉय कर सकते हो इस व्यू को देखते हुए। यहाँ पे ये छोटा सा टेलीस्कोप रखा हुआ होता है, आप यहाँ से आप देख सकते हो पूरा व्यू, किसी को भी देखना है तो। और पीछे का माउंटेन भी आप देख सकते हो, वो बहुत ही अच्छा है, और यहाँ पे लोग स्केटिंग भी करते हैं, स्केटबोर्ड भी चलाते हैं, तो डू यू माइंड इफ आई रिकॉर्ड? आप स्केट कर सकते हो, और डिफरेंट तरह के शेप्स दिए हुए हैं, तो लोग यू नो ट्राई टू गो ऑन दैट थिंग, वो लोग स्केट करते हैं, वो प्रैक्टिस करने के लिए।
जाने की जगह। यहाँ पे भी आप अगर आओ तो यहाँ पे आप पार्क कर सकते हो, कार लेके यहाँ पे आ सकते हो, ये पूरा बर्लिंगम पॉइंट पे, और यहाँ पे ओशन के पास आप पार्क कर सकते हो। 6 AM से 6 PM तक आप ओपन पार्क कर सकते हो यहाँ पे। हमें भी नहीं पता था, हम चल के आए लेकिन हमारी अच्छी वॉक हो गई। तो यहाँ पे बहुत सारा लिमिटेशन होता है कि ये फिश आप फिशिंग में कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो, इसमें ज्यादा केमिकल्स होता है, इसमें कम केमिकल्स होता है। तो अगर आपने ये अगर पकड़ भी ली तो भी आपको वापस छोड़ देनी होती है। यहाँ पे एयरपोर्ट है तो प्लेन लैंड हो रहा है, और ये जो है मैं आपको यहाँ से व्यू दिखाऊंगा, सैन फ्रांसिस्को पूरा दिख रहा है सिटी हमें। जैसे दो एरोप्लेन का साथ में लैंडिंग हो रहा है, इतना पास में हमें लगा कि वो ऐसे एग्जैक्टली एक दूसरे को टच कर जाएंगे। यहाँ पे एकदम छोटे छोटे से क्यूट वाले प्लांट्स हैं और एकदम छोटे से फ्लावर्स है, एकदम ब्यूटीफुल लग रहा है ना। यहाँ पे आप नेचर के साथ बाहर आ सकते हो, अभी बहुत अच्छा लग रहा है। गाइस, अभी शिवा से बोल दिया है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो वो मत भूलना। तो यस, जैसा मैंने आपको बताया, हमने पूरा टाउन बहुत ही अच्छी तरह से घूम लिया है और हमें तो बहुत ही ज्यादा पसंद आया। शिवांश तो स्पेशली बहुत ही ज्यादा पसंद आया, वो सब ऐसी चीजें देख के उन्होंने बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो चुका था, क्योंकि लोग यहाँ पे जैसे मैंने पहले बताया था कि मोटर बाइक पे आते हैं और यू नो बाइसिकल पे लोग बाइसिकल पे लोग सवार होते हैं, तो उसको देखना बहुत ही ज्यादा पसंद आया। और ये बहुत ही छोटा सा टाउन है पर यू नो ये पूरी ऐसे ग्रीनरी भी बहुत ही अच्छे, यू नो आप यहाँ पे देख सकते हो कि पूरी ऐसे ग्रीनरी है यहाँ पे, जैसे हम यूरोप में देखते हैं वैसे ये यूरोपियन छोटा सा यूरोपियन टाउन को भी माना जाता है। तो यस, आई होप गाइस कि आपको भी ये वीडियो देख के और ये छोटे से टाउन को देख के मजा आया होगा, और अगर मजा आया है, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड स्टे कनेक्टेड। एंड ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो को देखने के लिए आप जो नीचे बेल बटन है उसको क्लिक कर सकते हैं ताकि आपको हर एक मेरे वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। Thank you.